हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके आज तक का टोटल जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कितना हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो डेट है वो आपका 9 जुलाई 2023 हो चुका है। तो आज तक का टोटल डेट में बात करेंगे कि फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि एक सीट के ऊपर कितने कंपटीशंस बढ़ रहे हैं या क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये आप भी अपने से फॉलो कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म इसमें कितना फिलअप हो चुका है। जैसे कि आप जानते होंगे फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है वही यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है। और जब आपका पेमेंट होता है, अब जो पेमेंट कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वही टोटल नंबर ऑफ फॉर्म को दिखाने की कोशिश करता है। तो वही प्रोसेस को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको एक लगभग रजिस्ट्रेशन नंबर सब पता करके बता सकूँ कि इसमें कितना नंबर ऑफ फॉर्म हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो डिटेल्स होते हैं एप्लीकेंट डिटेल्स वो भरना होता है, जिसमें कि आपको नाम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप बिहार के हैं कि नहीं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जेंडर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बिहार के होम गार्ड से रिलेटेड हैं कि नहीं, ये सभी डिटेल भरने के बाद जो प्रोसीड का ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका जो डिक्लेरेशन होता है उसके ऊपर क्लिक करना होता है और इस कैप्चा कोड को भरना होता है, और यहाँ देख के आता है कि आपको इतना पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेक पेमेंट का जो ऑप्शन आता है आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखना, जब आपको ये सिर्फ पता करना है कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है तो सिर्फ आपको पेमेंट तक ही जाना है, पेमेंट कम्प्लीट नहीं करना है। अब यहाँ देखेंगे कि आपको एक ऑर्डर समरी यानी कि एक ऑर्डर नंबर मिलता है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 8-13-80-254। अगर आप मेरे पहले वीडियो से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जब मैंने फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया था उसके अंदर जो ऑर्डर नंबर था यानी कि ये आपका 8 से स्टार्ट हो चुका था और 000 से चल रहा था। लेकिन अब जो आप यहाँ आज तक डेट देख रहे हैं तो यहाँ पर 13-80-254 एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि नंबर ऑफ फॉर्म की बात करते हैं तो 13,80,254 फॉर्म का लगभग ये बता रहा है, यानी कि इसमें अभी तक में 13 लाख फॉर्म जो है लगभग यानी 14 लाख के फॉर्म लगभग इसमें रजिस्टर किए जा चुके हैं, और वो भी महज 20 दिन के अंदर में, यानी 20 दिन के अंदर लगभग 14 लाख का फॉर्म यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है। अगर मैं कितना भी मानूँ तो इसमें 14 लाख में से अगर 2.5 लाख भी फॉर्म अगर निकाल लेता हूँ कि फेक रजिस्ट्रेशन जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा हुआ होगा, तो हो सकता है कि इसमें लगभग लगभग देखा जाए तो वही लगभग 10.5-11.5 लाख के आसपास जो फॉर्म है वो आसानी से फिलअप हो चुका है। अब जैसे ही मैं पेमेंट कंप्लीट करूँगा तो मुझे यही ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा यही ऑर्डर नंबर के तौर पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो आप मेरे पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किया था प्रोसेस कंप्लीट करने का, आप वहाँ पे सेम चीज़ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट होता है तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पे ऑर्डर नंबर मिलेगा और यही आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी होगा और यही नंबर ऑफ फॉर्म भी दिखाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक सीट के ऊपर कितना यहाँ पे फाइट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने माना कि 13,80,000 है तो इसमें हमने 2.5 लाख कम ही रखा है, यानी 14 लाख में हमने 2.5 लाख कम रखा है, तो 11,00,000-11,50,000 जो फॉर्म है यहाँ पर आसानी से फिलअप हो चुका है। अब बात करते हैं एक सीट के ऊपर, हमें बात कर रहा हूँ कि फाइट कितना होगा। तो आपको पता है कि इस वैकेंसी के अंदर जो पोस्ट की संख्या है वो 21,300 समथिंग है, इतनी फॉर्म है। अब इसके बाद आपको पता होगा इसमें जो रिजल्ट किया जाएगा, जो बच्चे आपके फिजिकल में जाएंगे यानी कि सेकंड एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे उसमें यहाँ पे 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब इस 5 गुना को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,07,000 या 8,000 के आसपास जो फॉर्म है इसका यहाँ पर निकल के आएगा, यानी कि जो बच्चे पीटी से मेंस में जाएंगे यानी मेंस फिजिकल में जाएंगे उनमें 1 लाख बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा और 21,300 कुछ पोस्ट हैं। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि एक सीट पे फाइट कितना है, तो जितना नंबर ऑफ फॉर्म गिरा है यानी कि 11,50,000 मान ले रहे हैं कितना फॉर्म गिरा है, आपको इससे 1,07,000 से क्या करना भागा देना है, तो आपको यहाँ पर लगभग पता चलेगा कि एक सीट के ऊपर अभी भी यहाँ पे 12 बच्चे का फाइट हो रहा है। तो अभी भी कंपटीशन जो है सही है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि पिछले जितने फॉर्म निकले हैं उसके अंदर एक सीट के ऊपर 35-36-38 बच्चे 40 बच्चे तक फाइट किए हैं। तो अभी तक कंपटीशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जब मैंने इसका पिछला वीडियो डाला था उसमें 8 बच्चे फाइट कर रहे थे एक सीट के ऊपर, लेकिन अब ये 12 बच्चे एक सीट के ऊपर लगभग फाइट कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन दिन बर दिन क्या हो रहा है, टफ होते जाएगा और तो हार्ड होते जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया, आप भी इस प्रकार के प्रोसेस को
करके पहचान सकते हैं कि फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है और आपका कंपटीशन कितना बच्चों से है। तो ये जो लास्ट डेट आपको बताता हूँ 20 जुलाई 2023 को दिया गया है, आपको 20 जुलाई 2023 से पहले कंप्लीट कर लेना है। लेकिन बहुत से बच्चों का कमेंट ये भी आता है कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है पर मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो मैं क्या करूँ। तो आपको मैंने बार बार कहा, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये जो ऑर्डर नंबर आपको मिलता है इसे आप संभाल के रख लें, क्योंकि यही ऑर्डर नंबर आपको काम देता है आपके रजिस्ट्रेशन आईडी के तौर पर। वरना आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नंबर बेस्ट रहता है। तो आप कंप्लेन भी कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर नंबर से आसानी से पहचाना जा सकता है। वरना आप कम से कम 48 घंटा वेट कीजिए, तब यहाँ पे आपका जो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और वहाँ से फिर लॉगिन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा फुल नोट यहाँ पे इसका डिटेल्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार का वीडियो हमें से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।